हेलो लिटिल चाइल्ड्स, आज हम पढ़ेंगे द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ओके, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे। ओके, वंस अ क्रोकोडाइल टुक सम जम्बोलन फ्रूट्स फॉर हिज वाइफ। वाइफ हिज मैंने अपनी, वाइफ मैंने पत्नी। जम्बोलन फ्रूट्स एक नाउन है, जो कोई फ्रूट्स है उसका नाम है। और क्रोकोडाइल, एक बार एक क्रोकोडाइल अपनी वाइफ के लिए कुछ जम्बोलन फ्रूट्स लेके गया, गिवन बाय हिज फ्रेंड मंकी, जो उसको उसके दोस्त मंकी द्वारा दिए गए थे। बट हिज वाइफ वॉज नॉट हैप्पी, मगर उसकी वाइफ, उसकी जो बीबी थी, वो खुश नहीं हुई। हैप्पी मैंने खुश, वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जो हम पास्ट में यूज़ करते हैं, इसलिए हम वॉज यूज़ करते हैं। I want to eat the monkey's heart, she said. उसकी वाइफ ने कहा कि मैं जो हूँ मंकी का हार्ट खाना चाहती हूँ। Want मैंने चाहना, want मैंने होता है चाहना। She said, उसने कहा। Do said, हालांकि वो खुश नहीं था, वो उदास था, sad था। The crocodile decided to get the monkey's heart for his wife. हालांकि वो खुश नहीं था मगर उसने डिसाइड किया, डिसाइड मैंने निश्चय किया, मंकी का दिल पाने के लिए अपनी वाइफ के लिए। द नेक्स्ट डे व्हेन द क्रोकोडाइल विजिट द मंकीज, एक दिन जब क्रोकोडाइल मंकी जहाँ पे रहता था वहाँ पे दौरा करने गया, तो क्या हुआ। ही सेड, उसने कहा, माय वाइफ हैज़ आस्क मी टू कॉल यू फॉर डिनर। आस्कर मैंने कहा, मुझसे कहा कि मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि आपको डिनर पे बुलाने के लिए, आपको डिनर के लिए। द मंकी हैप्पीली जम्प्ड फॉर ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। इसे जो जब हम एस ऊपर से लगाते हैं तो ये का की और के क्या प्रोनाउंस करता है। ओके बच्चों, तो क्या हुआ, तो वो बहुत जल्दी खुश हो गया, मंकी बहुत खुश हो गया और जंप्ट करने लगा। जंप्ट मैंने कूदने लगा क्रोकोडाइल की बैक में, बैक मैंने उसकी पीठ में। बट एज सुन एज ही जंप्ट, जैसे ही वो कूद रहा था, ये एक कंजक्शन है हमारा, एज सुन एज हमारा एक कंजक्शन है जो बात को जोड़ता है, जिसे बोलते हैं हम जैसे ही वो जंप कर रहा था, द क्रोकोडाइल टोल्ड हिम अबाउट हिज वाइफ। जब वो इतना खुश था मंकी, उसी समय उसी दौरान क्रोकोडाइल ने क्या कहा, अपनी बीबी के बारे में उसे बताया। अबाउट मैंने बारे में, किसके बारे में, अपनी बीबी के बारे में। हु वॉन्ट हिज हार्ट, वो क्या चाहती है, तुम्हारा दिल चाहती है। तो फिर उसने क्या बोला, ओ माई डियर फ्रेंड, वाई डिड यू नॉट टेल मी बिफोर। किसने कहा, मंकी ने क्या कहा, देखो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मेरे प्यारे दोस्त। आई लेफ्ट माई हार्ट ऑन द ट्री, मैं तो अपना दिल को पेड़ पे छोड़ के आया हूँ, ट्री मैंने पेड़। लेट्स स्विम बैक एंड गेट इट, चलो अब दोबारा से तैरो, स्विम मैंने तैरना, और बैक गेट इट, और दिल लेने के लिए चलो, सेड द मंकी। किसने कहा, मंकी ने कहा। द क्रोकोडाइल टुक द मंकी बैक, क्रोकोडाइल ने क्या किया, दोबारा से उसको वापस लेके चला गया। एज सून एज दे रीच द ट्री, जैसे ही वो ट्री के पास पहुंचा मंकी और क्रोकोडाइल, तो द मंकी जंप्ड एंड वेंट टू द हाईएस्ट ब्रांच। मंकी ने क्या किया, एकदम से जंप किया और कहाँ चला गया, एकदम हाईएस्ट ब्रांच पे चला गया। ब्रांच मैंने शाखा, और हाईएस्ट मैंने बहुत ऊंची। You fool, तुम क्या हो मूर्ख, How can anyone live without a heart? कोई क्या बिना दिल के रह सकता है, हाँ। द मंकी सेड, ऐसा किसने कहा, मंकी ने कहा। While throwing fruits at the crocodile, क्या करते हुए कहा, क्या कहा उसने ये सब, while throwing, जब भी हम while लगाते हैं उसके बाद क्या लगाते हैं, हम ing form लगाते हैं, ठीक है। क्या करते समय बताया, बोला उसने ये सब, fruits फेंकते टाइम। ओके, द मोरल, मोरल क्या है, फ्लिसनेस कैन मेक यू
मेक रॉन्ग डिसीजन, आपका जो मूर्खता है आपको क्या करती है, रॉन्ग डिसीजन लेने पे मजबूर करती है, आपको रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है आपकी मूर्खता। पर मंकी क्या था, बहुत समझदार था। मंकी ने बोला कि अरे कोई बिना दिल के कोई रह सकता है क्या, है ना। तो आज हमने इसमें क्या क्या सीखा देखिए, हम बताते हैं आपको, बताते हैं। आज हमने इसमें सीखा गिवन बाय, और दूसरा क्या सीखा हमने इसमें, एक गिवन बाय सीखा, दूसरा हमने सीखा आई वॉन्ट टू, ये अब आई वॉन्ट टू, और तीसरा हमने सीखा, तीसरा हमने सीखा वाइल 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 थ्रोइंग फ्रूट्स, मतलब क्या फेंकते टाइम बोला उसने, वाइल का यूज क्या करते हैं हम, वाइल के बाद हम क्या करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे भी कोई भी काम करते समय, कोई भी काम करते समय हमने, हम जैसे गिवन बाय मतलब किसी के द्वारा दिया गया, आई वॉन्ट टू मैं चाहती हूँ, या ही वॉन्ट टू वो चाहता है, सी वॉन्ट टू वो चाहती है, दे वॉन्ट टू वे चाहते हैं, वो वहां पे यूज होता है, ठीक है, ओके। और वाइल्ड थ्रोइंग फ्रूट्स मतलब फ्रूट फेंकते टाइम, वाइल्ड सीटिंग फूड खाना खाते समय, वाइल्ड वॉचिंग टीवी टीवी देखते समय, वाइल्ड गोइंग स्कूल स्कूल जाते समय। तो क्या लगा, वाइल्ड के बाद क्या लगता है, वर्ब में क्या लगती है, आई एन जी, ये क्या हमारी वर्ब है होगी, थ्रोइंग मैंने फेंकना, फ्रूट्स क्या है, नाउन है ना। कोई भी चीज होती है तो उसे नाउन कहते हैं, जो भी हमारे आसपास दिखाई देता है, डब्बा बोतल इंसान घड़ी फोन, वो हमारा सब क्या होता है, नाउन होता है। तो ये भी फ्रूट्स हमारा क्या है, नाउन हो गया। ओके बच्चों,